वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक साथियों से कि देखो मोदी जी और योगी जी अमित शाह जी के बहकावे में मत आना, ये हिंदू की बात करते हैं, ये नफरत की राजनीति करते हैं और कहते हैं 80 और 20 की बात करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं साथी, इसी बनारस में 80 घाट है, इसी बनारस में 80 घाट है और इस 80 घाट पर ये 20 लोग जाएंगे, अमित शाह जाएंगे, मोदी जाएंगे, योगी जाएंगे और सारे भाजपा के 20 बड़े नेता वहीं 80 घाट पर जाकर के नारा लगाएंगे, राम नाम सत्य है, भाजपा खत्म है, यही नारा वहां लगा करके ये लोग गुजरात चले जाएंगे साथियों। और आने वाले दिनों में आप बताओ ये क्या है, ये मेरे हाथ में क्या है, जोर से बोलो, ये कानून का डंडा है, ये कानून का डंडा जिसको हम छड़ी कहते हैं, सिंबल चुनाव आयोग ने इसको छड़ी का नाम दिया है, हम इसको कानून का डंडा बताते हैं और इसी कानून के डंडे से भारतीय जनता पार्टी के जितने गुंडे हमारे बड़े भाई स्वामी प्रसाद मौर्य जी के सामने जिस तरह इन लोगों ने गुंडई किया, गाड़ियां तोड़ी, मारपीट किया, एक तरफा FIR योगी जी ने कराया है। घबराओ नहीं योगी जी, तूने एक तरफा FIR कराया है तो ओम प्रकाश राज पर भी मन बनाया है, पिछड़े समाज के लोगों तेरे साथ जिस तरह का न्याय, जिस तरह आरक्षण आपका लूटने का काम हमारे योगी बाबा कर रहे हैं, आरक्षण खत्म करने की बात मोदी जी योगी जी कर दिए, उसी तरह हमारा संविधान खतरे में है साथियों, हमारे पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, आज हम लोग अपने जो ऊपर हो रहे जुलम अत्याचार का बदला लेने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चाहे जितना अफवाह हमारे गोदी मीडिया जो मोदी जी के चेला है, मोदी जी के मालिक, चाहे जितना फैला लो, लेकिन देख लेना जो दिल्ली में आपने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, 3 सीट मिली थी, उसी तरह जिस दिन बंगाल अब गए थे तो वहां 2/3 जीतवा रहे थे, वहां से भी भाजपा बैरंग लौट के आई। आज हमारे कुछ मीडिया के साथी बड़े तेजी से हल्ला कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 पार, तो ये 300 पार नहीं जा रही है, ये 300 रुपया में आपको सरसों का तेल बेचवाना चाहती है, 300 रुपया में पेट्रोल बेचवाना चाहती है, 3000 में गैस सिलेंडर बेचवाना चाहती है। इस बात का खुलासा हमारे कुछ गोदी मीडिया नहीं कर रहे साथी, इस नाते मैं आपको आगाह करता हूं कि आने वाले दिनों में 7 तारीख को बनारस के लोगों को आपका वोट पड़ेगा और 7 तारीख को एक एक वोट, छड़ी वाले प्रत्याशी को छड़ी पर, साइकिल वाले प्रत्याशी को साइकिल पर और लिफाफा वाले प्रत्याशी को लिफाफा।